हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे भी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 27 सितंबर सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं जीके, करंट अफेयर, साइंस, मैथ, रीजनिंग के। वो सब कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपको हर एक शिफ्ट का एनालिसिस की वीडियो मिलती रहे और जितनी भी मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करता हूं वो भी आप तक पहुंच सके, तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूं। यहां पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज एंड तक देखिएगा और हो सके तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सभी को पता है राजनाथ सिंह जी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एचआरडी मिनिस्टर कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक आपका फाइनेंशियल मिनिस्टर भी पूछा गया था, तो ये अरुण जेटली हो जाएगा। देखिए ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1905 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। और ये आगे भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र के बागवानी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आई थिंक अमिताभ बच्चन जी हैं, तो एक बार कंफर्म करिएगा। अगर ये गलत है तो राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। बिग बॉस 11 को कौन होस्ट कर रहा है, तो सभी को पता है सलमान खान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2018 ऑस्कर बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको दिया गया है, ये आपका गैरी ओल्डमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मन की बात के लेखक का नाम क्या है, राजेश जैन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे नेक्स्ट आपका पणजी किस नदी के तट पर स्थित है, तो मांडोवी नदी, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आवर्त सारणी में सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक था आपका वेस्ट बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है, ये तीन देशों से लगती है। देखिए एक तो आपका बांग्लादेश हो गया, एक ऊपर आपका नेपाल और भूटान दोनों से टच करता है, ठीक है। तो ये आपका तीन देश हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे पूछे गए थे, तो ये कई बनाए गए थे उस टाइम पे और अभी ये पता नहीं, तो एक बार आप कंफर्म करिएगा कि कौन कौन है और वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर लगाया जा सकता था। एक था आपका सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, तो ये बंगाल में हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। प्योर वाटर का भी यहाँ पे पूछा गया है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये 7 हो जाएगा, प्योर वाटर का पीएच मान 7 हो जाएगा, ठीक है। नीति आयोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बस बता देता हूँ। नीति आयोग से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं तो एक बार पढ़ के जाइएगा जिनका भी अभी एग्जाम बचा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका कि किस स्टेट में सबसे पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू की गई है, ये आपका बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका में, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी रिपीट हो सकता है। स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को, तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। और ये एक था आपका हॉकी वर्ल्ड कप 2018 कहाँ पे होना है, मेन हॉकी का वर्ल्ड कप ये इंडिया में ही होना है, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी लिमिटेड से कोई क्वेश्चन था, एक्चुअल में पूरा क्वेश्चन नहीं पता है तो आप ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। मैथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर बोर्ड मार्क्स की बात की जाए तो एक बच्चे ने बताया 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड मार्क्स के, और फर्स्ट शिफ्ट में ये 3 से 4 पूछे गए थे। तो देखिए बहुत वेरिएशन हो रहा है, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन है और सेकेंड शिफ्ट में आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर 10वीं की बात की जाए तो कम से कम भी 6, 7, 8 क्वेश्चन तो होंगे, तभी 10 बोले गए हैं। यहाँ पे SI से एक क्वेश्चन था, ठीक है, एक क्वेश्चन SI से था फर्स्ट में भी और सेकंड में, यानी कि CI से कोई क्वेश्चन नहीं था फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन था, HCFLCM से सेकंड शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं था, फर्स्ट शिफ्ट में 1 क्वेश्चन था, ठीक है। स्क्वायर रूट में रूट का आपका दोनों यानी कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 1-1 क्वेश्चन दोनों में था। और आपका परसेंटेज की बात की जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन परसेंटेज से भी है, ट्रेन और टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन का पता नहीं चला, बट एक क्वेश्चन बताया गया है यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस से, ट्रेन का कोई क्वेश्चन पता नहीं चला। टिग्नोमेट्री से भी 1 क्वेश्चन था आपका सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। और देखिए सबसे खुशी की बात मेरे लिए तो ये क्वेश्चन मैंने कराया और एक बच्चे ने बोला कि ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपकी वीडियो से, मतलब डिजिट भी जिसकी चेंज नहीं हुई है, ये डिजिट मैंने कराई थी एक बार अपनी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो में, तो ये क्वेश्चन वहां से बिल्कुल एज इट इज मिला है और वो बच्चा बड़ा ही खुश था जिसने
ने बताया कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आप बस अच्छे से पेपर देते रहें, और जिसका भी एग्जाम होता रहे तो बस थोड़ी सी मेरी इतनी हेल्प कर दे कि आप क्वेश्चंस बता दिया करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ कहाँ पे आपको क्वेश्चंस शेयर करने होते हैं, ठीक है। तो जिनका भी आगे आने वाले दिनों में अभी एग्जाम बचा हुआ है तो नीचे लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम का, वहाँ से बहुत सारी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है मतलब टेलीग्राम, तो वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ भी सारी वहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पे था कि कोई कमोडिटी थी यानी कि कुछ वस्तु थी, वो 1 रुपए की 5 खरीदी और 1 रुपए की 4 बेचती, और पूछा गया कि इसमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी, 1 की 5 परचेज करी यानी कि खरीदी और 1 की 4 बेच दी, आपने इसी तरीके से लिखा, एक साइड में लिख लिया आपने रुपीज और एक साइड में लिख लिया क्वांटिटी, फिर इनकी कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, इधर करेंगे 5 और इधर करेंगे कितना हो जाएगा 4। अगर ये प्राइस वाली यानी कि जो आपका जिस साइड में रुपीज लिखे हैं ये बड़ी आती है वैल्यू इससे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये वाली बड़ी आती तो लॉस हो जाएगा। तो कौन सी बड़ी आई, ये वाली बड़ी आई है ना, तो आपका प्रॉफिट होगा कितने से, 1 से। प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है, आपका सीपी पे, यानी कि प्रॉफिट और लॉस दोनों सीपी पे ही निकाले जाते हैं। बट यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा इनमें सीपी है। अब मैं आपको एक चीज और समझाई थी, अगर कभी भी प्रॉफिट होता है तो नीचे आपका छोटे वाली अमाउंट आती है, ठीक है, अगर कभी भी लॉस होता है तो नीचे बड़े वाली अमाउंट आती है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब ये छोटे वाली रख दीजिए, कोई सोचने की बात ही नहीं है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% का आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था आपका, 135 की वस्तु को अगर 25% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बताइए। सीपी हमारी 100 होती है, सेलिंग प्राइस हमें कितने में करनी है, 25% प्रॉफिट में यानी कि 125% में सेल करनी है। तो 135 को आप 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सीपी तो हमारी इसके इक्वल ही होगी ना, ठीक है। और कितना हमें प्रॉफिट कमाना है, 25% यानी कि 125 की वैल्यू हमें बनानी है, तो 125 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीधा सीधा इसको सोल्व करेंगे, 25 से जाएगा कितने टाइम, 5 टाइम, और ये जाएगा 4 टाइम, ठीक है। तो 675 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 168.75 ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा सीधा हो सकता है अगर थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हुई, ठीक है, यहाँ पे 25 की जगह क्या पता 30 हो या 35 हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो बट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का था। एक आपका देखिए, ये इस तरीके का बार का क्वेश्चन भी पूछा गया है, यहाँ पे था कि 0.2956 लिखा है जैसे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ये बार लगा है, बार वाले को कैसे सोल्व करते हैं, तो पूरी संख्या को आप लिख लेंगे, जैसे लिखिए 2956, जितने के ऊपर बार नहीं होता है, जितने के ऊपर बार नहीं होता उसको माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। और नीचे आपको क्या लगाना है, जितने के ऊपर बार होता है उतने 9 और जितने के ऊपर बार नहीं होता उतनी 0, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 2927 अपॉन में 9900, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन मतलब आ रहे हैं बहुत सारे, और आज तो शायद पूछे गए होंगे जब आपके बोर्ड मार्क्स से कई क्वेश्चन आए हैं। एक था आपका प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 3600 थी, टाइम यहाँ पे था 5 से 3/4 ईयर, रेट दे रखा था 6%, और यहाँ पे SI पूछा गया था। तो सीधा सीधा आप P×R×T वाला फॉर्मूला लगा के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3600 × 6, और यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×20 और +3 23/4, ठीक है। तो इस तरीके से 23/4 लिख करके हम इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी 3600 में से, तो 36 बचेगा, 4 से 36 कट जाएगा 9 बार, तो 9×6×23 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1242 SI आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन था आपका इस तरीके से कुछ, टाइम एंड वर्क का, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ए किसी काम को 9 दिन में होगा, हाँ दिन में कर लेता है, और बी यहाँ पे 15 दिन में कर लेता है, सी और बी मिलके यहाँ पे 5 दिन में करते हैं, ठीक है। और पूछा क्या गया है, सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा वो टोटल यूनिट वर्क आ जाएगा, तो एलसीएम कितना है 45, तो 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 45 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, और 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे किससे पूछा है, सी का, तो सी का वर्क तो नहीं पता है बट निकाल सकते हैं कैसे भाई, सी और बी का हमें पता चलेगा 9 यूनिट वर्क करते हैं एक दिन में, और बी अकेला कर रहा है यहाँ पे 3 यूनिट वर्क, तो 9 में से अगर 3 माइनस कर दूँ तो सी का अकेले का वर्क बच जाएगा कितना, तो सी अकेला एक दिन में 6 यूनिट वर्क करता है, तो 45 यूनिट वर्क को कितने दिन में करेगा, तो 45 को 6 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 डेज आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन इस टाइप के, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपका एक देखिए मिरर इमेज से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन था, अभी यानी कि सेकंड शिफ्ट में आपका ट्रू की वो
मिरर इमेज पूछी गई है, तो ट्रू की आपकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, तो बिल्कुल सिंपल है, सभी बच्चे सीख गए होंगे। ये ई यहाँ पे लिखा है, इसकी फिगर इधर कोई खुली है तो इधर कोई कर देंगे, ठीक है। यू का आपका यू बन जाएगा वैसे का वैसे ही। आर का आपका देखिए, आर का ये वाला पोर्शन इधर को बनेगा, क्योंकि आर इधर को बनाया मिरर के पास में, जो चीज़ें होती हैं वही मिरर के पास में इधर भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आर आ जाएगा, टी आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। एक था आपका वेन डायग्राम का सूर्य प्रकाश ऊर्जा का वेन डायग्राम आपको बनाना था। तो यहाँ पे सूर्य प्रकाश और ऊर्जा, देखिए दोनों के दोनों ही, मतलब प्रकाश भी और ऊर्जा भी सूर्य के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें प्रकाश भी सूर्य से मिलता है, ऊर्जा भी, एनर्जी भी सूर्य से मिलती है। अभी इस वेन डायग्राम को अगर देखा जाए तो इस तरीके से बनेगा। ये मत सोचिएगा कि एनर्जी का सोर्स, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि एनर्जी का यानी कि ऊर्जा का सोर्स केवल सूर्य है, बट इस वेन डायग्राम में कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। चलिए, एक सीरीज का क्वेश्चन था आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से, 254769। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आना था, मतलब 9 की जगह आपको बताना था, तो सिंपली यहाँ पे चल रहा था 2446, ये इस तरीके से चल रहा था, प्लस 2 चल रहा था मतलब, ठीक है। तो प्लस 2 करेंगे हम यहाँ पे 5 से, प्लस 2 करेंगे तो 7, 7 में प्लस 2 करेंगे तो 9, तो 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए का यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 9 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका कि 25 मार्च 2018 को मंडे है, तो 25 मार्च 2019 को क्या होगा। तो यहाँ पे 25 मार्च 2018 को अगर मंडे है तो 25 मार्च 2019 को बस एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि 2018 आपका क्या है, जनरल ईयर है, तो जनरल ईयर में एक बढ़ता है, अगर यहाँ पे लीप ईयर होता है यहाँ पे दो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये होता आपका लीप ईयर और यहाँ पे मंडे होता तो ट्यूजडे यहाँ पे वेनसडे होता लीप ईयर के अकॉर्डिंग, अगर जनरल ईयर है तो आपका नेक्स्ट एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा डे होता है आपका जनरल ईयर में और दो एक्स्ट्रा डे होते हैं आपके लीप ईयर में, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ट्यूसडे हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे एक ही कमेंट कर रहे हैं कि रीजनिंग का आपका पढ़ाया बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं इसमें अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ बार बार बोल के, बस ये आपको थोड़ा सा मतलब बता रहा हूँ कि अगर आप अभी भी आपके पास टाइम है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा सारी वीडियोज़ को, जितनी भी आप देख सकते हैं, मैक्सिमम 15 जो मैंने वीडियोज़ का क्रैश कोर्स बनाया था आपका रीजनिंग का, उसको तो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका कि सभी पटाखे खंड हैं, तो सभी के सभी पटाखे आपके खंड हो जाएंगे, इस तरीके से कुछ बन जाएगा, ठीक है। फिर कुछ बोला गया था आपका, कुछ खंड उपहार है, तो कुछ खंड आपके उपहार कैसे बन जाएंगे, कुछ इस तरीके से उपहार बन जाएंगे। कोई भी उपहार संदूक नहीं है, तो देखिए उपहार और संदूक के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इस तरीके से कुछ वेन डायग्राम बनेगा, संदूक और उपहार के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं निष्कर्ष क्या क्या निकलते हैं। कोई भी पटाखा उपहार नहीं है, तो पटाखा और उपहार के बीच में रिलेशन तो नहीं बताया गया, बट नहीं भी तो नहीं बोल सकते ना हम। अगर किसी के बीच में हमें रिलेशन नहीं बताया गया, पटाखा और उपहार के बीच में कोई रिलेशन कथन में नहीं दिया गया, तो इसका मतलब हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। वो उनके बीच में रिलेशन है ये भी नहीं बोल सकते, उनके बीच में रिलेशन नहीं है ये भी नहीं बोल सकते, तो ये पहले वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है कुछ खंड निश्चित रूप से संदूक नहीं है। देखिए खंड और संदूक का कोई रिलेशन नहीं बताया गया, यहाँ पे संदूक और उपहार का तो रिलेशन बताया गया ना, तो यहाँ पे कुछ बोला गया कि कुछ जो खंड है वो उपहार है, तो उपहार का जो खंड का ये वाला पोर्शन है ना, ये कभी भी आपका संदूक नहीं हो सकता है, क्योंकि उपहार का और संदूक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे ये राइट इसलिए हो जाएगा कि यहाँ पे बोला गया कुछ खंड निश्चित रूप से संदूक नहीं हो सकते, तो खंड का ये वाला पार्ट निश्चित रूप से पता चल गया हमें कि संदूक नहीं हो सकता है, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि ये भी आप समझ गए होंगे भाई। जब यहाँ पे हमें पता चल गया उपहार और संदूक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और कुछ उपहार जो है वो खंड है, ठीक है, तो कुछ उपहार जो खंड है वो कुछ उपहार खंड है, तो यहाँ पे जो कुछ खंड निश्चित रूप से संदूक नहीं हो सकते, क्योंकि संदूक का और उपहार का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये कभी भी संदूक नहीं हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, आपने लाइक शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए उसको, और वहाँ पे सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और जो जिसका भी एग्जाम होते रहे वहाँ पे क्वेश्चंस भी आप भेज सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी यहाँ तक पूरी एंड तक, और आपने लाइक शेयर कर दिया होगा। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।